हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑफ अ कंसेप्ट जो आईआर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इट्स अ फाउंडेशन कंसेप्ट ऑफ द आईआर। इसका मतलब नाम है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी, बाईपोलैरिटी एंड यूनिपोलैरिटी। हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ मल्टीपोलैरिटी और देश में, विश्व में किन किन सालों में, इन विच ईयर्स वी सॉ द एमरजेंस ऑफ मल्टीपोलैरिटी, बाईपोलैरिटी। सो वी शैल टॉक अबाउट यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। उससे पहले दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा मैं कि 25 जनवरी मतलब कल से वी हैव अ बैच स्टार्टिंग अप इन विच यू गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रिलिम्स। आपको जो कुछ चाहिए प्रिलिम्स के लिए, द टोटल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स, प्रिलिम टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर इन द अनअकैडमी 6 मंथ्स बैचेस जो 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। सपोज आपका प्लान 1 साल का है तो 1 साल के लिए भी यू हैव द टोटल बैच जो स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी को। इट हैज एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रिलिम्स एंड द मेन सिलेबस कवरेज, जहाँ पे यू गेट द टोटल सिलेबस कवरेज विथ लाइव एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करके आप उसमें डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका आपको फाउंडेशन मजबूत करना है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है बहुत ही कंसाइजली, प्रिसाइजली, कम टाइम में, तो फ्रेंड्स वही बैच हमारा शुरू हो रहा है 25 जनवरी को, जिसमें वी हैव द टोटल एनसीईआरटी कवरेज विद द टॉप एडुकेटर्स। और यहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करके आप उस पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं हमारे कंसेप्ट की, जिसका नाम है मल्टीपोलैरिटी, बाईपोलैरिटी एंड यूनिपोलैरिटी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर जब वन हुआ, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन हुआ, 1919 तक ये चला, उसके बाद से 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ और 45 में दूसरा वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। यू सी, वर्ल्ड वॉर तब होते हैं जब द पावर इज इन हैंड्स ऑफ मल्टीपल नेशंस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, रशिया से जापान, दीज वर द मल्टीपल नेशंस इंक्लूडिंग इटली, राइट। तो इन देशों ने युद्ध किया, वॉर किया। इसका मतलब पावर जो है ये इन सभी देशों के पास रहा होगा, बिकॉज अगर पावर इनके पास नहीं होता तो किसी एक कंट्री के अग्रेशन से बाकी कंट्री अपने आप शांत हो जाते। बट दे फॉट बिकॉज दे थॉट कि दे हैव द पावर, एंड दैट इज वाई जब वर्ल्ड में पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग मल्टीपल नेशंस, वी से देर आर मल्टीपल पोल्स, मल्टीपल पावर सेंटर्स, एंड हेंस द वर्ल्ड इज कॉल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो फ्रॉम 1914 टू 1945 वी कैन से द वर्ल्ड हैड अ सिस्टम ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। बट फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ? यू सी, इसके बाद ये हुआ कि इन 1945 वी सॉ यूरोप वॉज डिवास्टेटेड, जापान के ऊपर बॉम्ब गिर गया, तो वर्ल्ड में बचे दो ही सुप्रीम पावर्स, दैट वाज यूएसए एंड यूएसएसआर। सो फ्रॉम 1945 टू से 1991 द वर्ल्ड हैड टू सुप्रीम पावर्स नोन एज यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड द वर्ल्ड वाज कॉल्ड द बाईपोलर वर्ल्ड, बिकॉज इस समय द टू मेन पावर सेंटर्स वेयर सोवियत एंड यू से अमेरिका, एंड द वर्ल्ड इज नाउ कॉल्ड बाईपोलर वर्ल्ड। देन फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि आपने सुना होगा वर्ल्ड यूएसएसआर कोलैप्स्ड इन 1991। तो 1991 में द सोवियत कोलैप्स्ड इनटू 15 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज लाइक रशिया, पोलैंड, कजाकिस्तान एटसेट्रा। तो जैसे ही ये कोलैप्स हुआ, सो दिस लॉस्ट द पावर, द कंट्रोल, एंड अमेरिका एमर्ज्ड एज द सिंगल मोस्ट पावरफुल नेशन। सो 1991 से वी सॉ द एमरजेंस ऑफ अमेरिका, यूएसए एज द सुप्रीम पावर, एंड द वर्ल्ड वॉज कॉल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड। सो फ्रॉम 1991 टू से ईयर 2001 वी सॉ यूएसए एज द सुप्रीम पावर, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर वर्ल्ड। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज, आज वर्ल्ड कैसा है? यू फ्रेंड सी, आज यूएसए के साथ साथ अगेन वी हैव इंडिया एज द पावर, चाइना एज द पावर, ऑस्ट्रेलिया एज द पावर, जापान एज द पावर, रशिया एज द पावर। सो अगेन फ्रॉम से 2001 टू प्रेजेंट द वर्ल्ड हैज द को एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पावरफुल नेशंस, एंड द वर्ल्ड अगेन इज अ
मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज का वर्ल्ड हमारा क्या है, मल्टीपोलर है, बिकॉज आज फिर से क्या है, द ओल्ड सिनेरियो हैज केम बैक। और आज भी इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका, दे ऑल होल्ड लॉट ऑफ पावर इन द वर्ल्ड टूडे इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड। इन फ्यूचर वी मे एक्सपेक्ट द वर्ल्ड मे चेंज इन टू बाईपोलर इफ दैट हैपन्स। अगर हम कोई अनुमान लगाते भी हैं तो वॉट वी सी टूडे इज कि बहुत ज़्यादा टेंशन अब समय चाइना एंड अमेरिका के बीच में है। दे विल फाइट, स्ट्रगल टू मेक द वर्ल्ड बाईपोलर, बट द अदर नेशंस आर कमिटेड कि कैसे भी करके द वर्ल्ड पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द वर्ल्ड इज बाउंड टू स्टे एज द मल्टीपोलर वर्ल्ड फॉर द टाइम्स टू कम। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारी अबाउट द डिफरेंट पोलैरिटी, और बाकी बातें हम सी इन द डिस्कशन वी शैल टेक अदर इशूज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे कि वॉट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द बाईपोलर एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एवरी डे फ्रॉम 11 टू 12 सुबह मॉर्निंग में मैं डिस्कस करता हूँ द हिंदू पर एक डिस्कशन, जिसमें पूरी खबरों का पर विस्तार से चर्चा करता हूँ मैं। एंड वी हैव अदर बैचेस कमिंग अप, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।